ये चिकन टिक्का बिरयानी बना है, तो उसको टेस्ट करके देखते हैं। माशाल्लाह, 10 रमजान है, रमजान का महीना चल रहा है और उसमें खाने में बिरयानी मिले, खाने वालों को, खिलाने वालों को, देखने वालों को, देख के बनाने वालों को, सबको अल्लाह जजाए खैर दे। खूब बनाइए, खूब खाइए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम यहाँ पर छत में आ गए हैं पुदीना पत्ता लेने के लिए। हम बोले थे ना कभी बिरयानी बनाएंगे तो आएंगे लेने के लिए। माशाल्लाह से पुदीना पत्ता मैं तोड़ ली हूँ, इस तरीके से कपड़े में रख ली हूँ, लेके जाऊँगी नीचे। हमें शुक्रिया लगाने के लिए मैं आके बिरयानी के लिए तोड़ रही हूँ। और बाकी यहाँ पर बैगन एक इतना बड़ा है और एक इतना बड़ा है, दो बैगन है। गज भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हो गया, बारिश भी हुआ था, मौसम अभी ऐसे थोड़ा ठीक है। नींबू बड़ा होना से आएंगे लेने के लिए, ये छोटा सा है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेश फ्रेश पुदीना पत्ता ले आई हूँ घर पे, और यहाँ पर केवड़ा पत्ता तोड़ ले रही हूँ, धो रही हूँ इसको। बिरयानी बनाने के लिए पानी बॉईल हो चुका है, यहाँ पर केवड़ा पत्ता डाल रही हूँ, थोड़ा सा पुदीना पत्ता डाल रही हूँ, लौंग और दालचीनी और जायत्री और बादियान का फूल एक टुकड़ा, इसको डाल दी। यहाँ पर भिगोया हुआ चावल 1/2 kg वो डाल रही हूँ। नमक यहाँ डालना है 3 चम्मच, थोड़ा सा तेल। यहाँ पर चिकन 1/2 kg लिए हूँ, उसको धोकर साफ करके ले ली हूँ। 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ पर दही 2-3 टेबल स्पून, यहाँ पर फ्रेश क्रीम थोड़ा सा 2 टेबल स्पून, यहाँ पर थोड़ा सा कसूरी मेथी, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, सेजवान चटनी 1-2 टेबल स्पून, एक अंडा। यहाँ पर थोड़ा सा चीज ग्रेट करके डाल देना है, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, सभी को डालकर मिक्स कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, इसको डालकर मिक्स करके फ्रिज में रख दूंगी 10 मिनट के लिए। चावल डन है, इस तरीके से ऊपर दिखने लगे तो चावल समझ जाना पककर तैयार है। इसको छान लेंगे छन्नी की मदद से। मटन कीमा बनाने के लिए कढ़ाई गरम करेंगे। यहाँ पर तेल अच्छे से गरम हो गया है, धुआं निकलने लगे तभी हमें डाल देना है 1 चम्मच जीरा, फिर मटन कीमा डाल देना है। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से, मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून अजवाइन, सभी को डाल के मिक्स कर लेना है। इसको दूसरे साइड में रख दूंगी। यहाँ पर एक पैन गरम करूंगी, पैन गरम होते ही सरसों तेल हमें डालना है, गरम कर लेना है। तेल अच्छे से गरम होने के बाद हमें एक एक पीस डाल देना है। यहाँ पर जो चिकन मैरिनेट करके रखे थे, चिकन टिक्का बनाएंगे तो इसको इस तरीके से फ्राई कर लेना है 1/1 डालकर। यहाँ पर 1/1 डालकर फ्राई कर लेना है 1-2 सेकंड के बाद, इस तरीके से जब लाल हो जाए पलट देना है सभी को।
रेडी कर लेना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं मटन कीमा तैयार है। इस तरीके से जब ऑयल दिखने लगे फिर इसके ऊपर इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं प्याज और मिर्ची और धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता कट करके डाल दिए हैं। आप अपना मर्ज़ी के हिसाब से मिर्ची छोटा छोटा भी कट कर सकते हैं। हम बच्चों के लिए बड़ा बड़ा पीस रखे हैं। इस तरीके से इसको गैस का फ्लेम ऑफ करके साइड में रख देंगे। ये कीमा बनकर तैयार है। यहाँ पर चिकन टिक्का भी तैयार है। हम दो वेज इसमें फ्राई कर लिए हैं। क्या हुआ मम्मा, आधा काम करके आके बैठी ने आपके पास? अब सो के हम काम करेंगे। बिरयानी का चावल बन गया, चिकन टिक्का बन गया, दम देना बाकी है और बाकी मटन कीमा बन गया है और चना बॉयल हो चुका है। क्या करेंगे आगे शेयर करेंगे। और आप भी सो जाओ जल्दी से। हाय बोल दो। हाय, अस्सलामुअलैकुम, 10 रमजान मुबारक आप सबको अफान बाबू के तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोल दो, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू अल्लाह पढ़ोगे? अल्लाह अल्लाह। सोना जरा से बड़े हो अभी, माशाल्लाह नज़र नहीं लगे। मम्मा पहले नज़र कर देते नहीं। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। अफान बाबू को झूली में डाल के जा रही हूँ क्योंकि अफान बाबू और सोएंगे नहीं। थोड़ा देर सोए तो हम थोड़ा देर काम कर लिए और अभी नहीं सोएंगे तो लेट हो जाएगा, इसी वजह से हम झूली में डाल के जा रहे हैं। यहाँ पर देखें चिकन टिक्का बनकर तैयार है और चावल भी यहाँ पर बना ली हूँ और यहाँ पर मटन कीमा बना कर रखी हूँ। सिंगड़ा बनाऊंगी, पूरी मटन कीमा वाला पूरी बनाऊंगी, मतलब गुजिया। और यहाँ पर चना बॉयल की बस। चलिए देखते हैं क्या बनाती हूँ। तेल गरम करके एक प्याज डाल दी हूँ फ्राई होने के लिए। प्याज फ्राई करके निकाल लेने के बाद वही तेल में हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाले और जो मैरिनेट किए थे चिकन वो मसाला डाल दिए। और चिकन फ्राई के समय में ये थोड़ा सा मसाला निकला हुआ था वो भी डाल देंगे। सभी को मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से। और यहाँ पर चिकन जो फ्राई करके रखे थे, मतलब चिकन टिक्का, हाफ डाल देंगे और फ्राई किया हुआ प्याज थोड़ा सा डाल देंगे और बिरयानी मसाला 1 चम्मच डाल देंगे। थोड़ा सा पुदीना पत्ता डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर जो चावल बना कर रखे थे वो सभी चावल को इसमें डाल देना है। आप चाहें तो पहले चावल भी डाल सकते हैं, मसाला निकालने के बाद बीच में मसाला और चिकन डाल सकते हैं। इस तरीके से चावल डालने के बाद हम और जो बचा हुआ चिकन टिक्का था वो डाल दिए, बिरयानी का मसाला डाल दिए, प्याज फ्राई किया हुआ डाल दिए ऊपर से और थोड़ा सा पुदीना पत्ता डाल दिए। यहाँ पर अपना पेड़ का जो फ्रेश पुदीना पत्ता लाए थे हम वो डाल दिए। यहाँ पर दूध में फूड कलर मिक्स करके डाल दी हूँ। आप चाहें तो फूड कलर स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देसी घी डाल दी हूँ, बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपके पास देसी घी हो तो डालिएगा। और इसको ढक कर 15 मिनट के लिए गैस का फ्लेम लो करके रख देना है दम में। यहाँ पर हम दही बनाने के लिए प्याज, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता और जलजीरा पाउडर, काला नमक ले लिए हैं। उसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से दही डालकर और सादा नमक डालकर।
अच्छे से मिक्स कर लेना है, वरना नीचे मतलब पानी डाल देंगे तो ऐसे गोटा गोटा दिखने लगेगा, इसलिए स्मूथ बनाने के लिए इसको मिक्स करना ज़रूरी है। यहाँ पर तावा रख के बिरयानी को दम लगा दी हूँ, गैस का फ्लेम ऑफ करके 15 मिनट ठंडा होने के बाद सर्व कीजिएगा। यहाँ पर मिक्स हो चुका है दही के लिए, तो पानी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। हम 1 से 1.5 गिलास पानी डाले और इसको देख लीजिएगा, बस इफ्तार के बाद टेस्ट कीजिएगा नमक। यहाँ पर सिंपल चना चाट बनाने के लिए चना उबला हुआ, आलू उबला हुआ ले ली हूँ और प्याज कट कर ली हूँ, ये बच्चों को बहुत पसंद है। तो हम यहाँ पर नमक डाले और मिर्ची पाउडर डाले और नींबू का रस डालकर इसको मिक्स कर लेना है। झटपट टेस्टी हेल्दी चना चाट बनकर तैयार हो जाता है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा रमज़ान में। और यहाँ पर सिंपल रू अफ़ज़ा बनाने के लिए, यहाँ पर रू अफ़ज़ा बर्फ़ का क्यूब्स और यहाँ पर नींबू का रस डालकर मिक्स कर ली हूँ। यहाँ पर पूरी बनाने के लिए कीमा वाला पूरी, तो मैदा और नमक और अजवाइन और थोड़ा सा तेल डाली हूँ और इसको मिक्स कर लेना है। इसका मिक्स करके डो बना लेना है, इस तरीके से देख सकते हैं, और रोटी के जैसा इस तरीके से बेल लेना है, पूरी के जैसा छोटा सा टुकड़ा लोई लेना है और उसको बेल लेना है, इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर बेल लेने के बाद एक साइड में मतलब हाफ साइड में पानी लगा लेना है और यहाँ पर मटन कीमा जो बना कर रखे थे वो 2 चम्मच डाल देना है। इसको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, उंगलियों की मदद से इसको दबा देना है इस तरीके से, ताकि तेल में फ्राई करते समय ना निकले। और इसको डिज़ाइन बनाने के लिए फोक की मदद से इस तरीके से दबा देना है, डिज़ाइन भी बन जाता है और अच्छे से इसका सील भी हो जाता है, इस तरीके से देख सकते हैं। इसको तेल गरम करके फ्राई कर लीजिएगा, बहुत अच्छा बहुत टेस्टी ये समोसा मतलब पूरी बनकर तैयार होता है गुजिया, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और हमें भी बताइएगा आपसे कैसी बनी। यहाँ पर इफ्तार का टाइम हो गया है, दुआ मांग ली हैं, रोज़ा खोलते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। इस तरीके से हम तोड़ के भी दिखा देते हैं मटन पूरी कैसे बना है, बहुत ही यमी बनता है, सिंपल रेसिपी है, ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से, देखिए। चिकन टिक्का बिरयानी कैसा लगा, किसको कैसा लगा, अदनान को कैसा लगा, समीर को कैसा लगा, फरहान को कैसा लगा, बोलो। फरहान बहुत टेस्टी है, घर का बना है, अच्छा है बहुत। यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं बिरयानी का लुक, माशाल्लाह बहुत यमी दिख रहा है, खाने में वाकई में बहुत टेस्टी बनता है। ज़रूर से रमज़ान में ईद में कभी भी दिल चाहता है तो इस तरीके से बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं आफ्ताब। बिरयानी खाने को हर किसी का जी चाहता है, लेकिन बिरयानी खाने को उसी को मिलता है जिसके घर में बिरयानी बनता है। आइए घर में बिरयानी बना है तो देखते हैं कैसा बिरयानी है और उसका टेस्ट कैसा है। ये चिकन टिक्का बिरयानी बना है तो उसको टेस्ट करके देखते हैं। माशाल्लाह 10 रमजान है, रमजान का महीना चल रहा है और उसमें खाने में बिरयानी मिले, खाने वालों को, खिलाने वालों को, देखने वालों को, देख के बनाने वालों को, सबको अल्लाह जजाए खैर दे। खूब बनाइए, खूब खाइए, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।